मैं हर्षा नीलेश गड्डा, 12th पास, होम साइंस डिप्लोमा किया. होम साइंस डिप्लोमा करने के बाद अगर कोई जॉब ढूंढने जाए या कोई बिजनेस करना चाहे तो शायद इतनी हिम्मत या इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो कर पाए. मेरी वेस्टीज की शुरुआत सिर्फ प्रोडक्ट के कारण हुई थी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं जॉब करूँ या बिज़नेस करूँ. बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बिज़नेस कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ी बहुत आइडिया है कि इन्वेस्टमेंट किए बिना बिज़नेस नहीं होगा. लाखों रुपया इन्वेस्ट करो तो शायद हज़ारों रुपये आएंगे, और करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करो तो लाखों रुपये आएंगे. ये फंडा पता था, तो बिज़नेस का कभी भी सोचा नहीं था. तो ऐसे लगा कि वेस्टीज की मीटिंग में गई, फॉर्म साइन अप किया, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए ही और कुछ नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट इतने अच्छे थे और मैं नेचर से, कुदरती सौंदर्य मुझे वैसे भी पसंद है और कुदरत के बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मुझे ऐसे लगता है कि कुदरती प्रोडक्ट्स है जो बिल्कुल नेचुरल है, तो क्यों ना इसको आजमाया जाए. और जैसे जैसे यूज़ किया वो प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते गए, क्योंकि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, जो चाहे स्किन केयर के हो, हेयर केयर के हो, हेल्थ के हो या होम केयर के हो, तो हर प्रोडक्ट में अगर केमिकल नहीं है तो वो हमारे ही स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है. तो उस तरह से मैं उस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती गई. पर प्रोडक्ट यूज़ करने से बचत होती है ये पहली बार पता चला, क्योंकि प्रोडक्ट तो हम हर कहीं से लेते हैं, कोई मार्ट या कोई दुकान या कोई शॉप, कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें हम ले रहे हैं. पर कभी बचत की बात आती है तो कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, 5% 10%, बस इतना ही. यहाँ पर मुझे 10-20% डिस्काउंट मिलने लगा था. सेकंड, मुझे परफॉर्मेंस पर भी मुझे प्राइज मिलने लगा था, यानी कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलती थी, कुछ ना कुछ बैंक के अकाउंट में आता था, यानी ज़िंदगी में मेरे बैंक अकाउंट में मेरे कारण पैसा आएगा, दैट इज़ अ वेरी गुड. और मुझे इतना अच्छा लगा था. पर तब घर वालों ने ये कहा, अभी 200-500 से क्या होता है, यानी एक होटल में जाते हो 500 रुपए का पिज़्ज़ा ऐसे ही खा लेते हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. पर जिस दिन 2000 रुपए आए तो ऐसे लगा कि चल यार कुछ आजमाते हैं, क्योंकि वेस्टीज के सेमिनार और मीटिंग में गई थी तब इम्प्रेस हुई थी, बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव मिल रहा था. पूरी दुनिया में कहीं पर जाओ तो ऐसी चर्चाएं होती है जहाँ पर कुछ ना कुछ टांग खींची जाती है किसी न किसी टॉपिक को लेकर. पर पहले से ही मेरी आदत रही है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सीखना है और अच्छी तरह से आगे बढ़ना है, पर इतनी हिम्मत नहीं थी. वेस्टीज जब जोड़ा तो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए जोड़ा था, पर एक अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए जब सेमिनार में बैठी तो मैं इम्प्रेस हुई थी हमारे ग्रेट अपलायंस जो यहाँ के एम्बेसडर भी है, दीपल नीलेश पत्रावाला से. और जब उनका चेक मैं आई थी तभी था 3-3.5 लाख का, और मुझे सरप्राइज़ हुआ था कि महीने का 3-3.5 लाख एक मेरे जैसी लेडी कमा रही है, तो क्यों ना मैं भी आजमाऊँ. और मैंने आजमाना शुरू किया. उन्होंने मुझे कहा कि ड्रीम क्रिएट करो. मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, अब मुझे क्या सपना देखने की ज़रूरत है. तो शायद सपना देखना भी भूल गए थे, पर सपने को क्रिएट किया, सपना ऐसा बनाया जहाँ पर शायद मुझे लगा था मैं कभी पूरा ही नहीं कर पाऊँगी, और आजमाना ही है तो क्यों ना टफ सपना बनाया जाए. तो जहाँ पर 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये की कोई चीज़ मिल जाती है, वहाँ पर आप 10.5 लाख की गाड़ी कैसे सोच सकते हो. और मैंने वो सपना बनाया कि मेरे हस्बैंड को मुझे हमारे मैरिज एनिवर्सरी में 2 साल के बाद मुझे गाड़ी देनी है. एंड सरप्राइजिंग, वो सपना मेरा क्रिएट हुआ. द पावर है MWW टीम का, क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन दिया गया मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने बोला, मैंने सपना देखा, मैंने सपना क्रिएट किया और कैसे मिला. जब मुझे ये बात पता चली, एक एक मुझे सरप्राइज़ ये होने लगा, क्योंकि मेरी टीम में जो लेडीज़ हैं जो कभी आगे नहीं बढ़ पा रही थी या मेरे जैसे डर रहे थे, वो आज बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं. और मुझे सेटिस्फाइड हो रहा है कई लोगों को जब अपने घर के अंदर जो तकलीफ़ें हैं, जो बीमारियां हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है. कई लोगों को खूबसूरती मिलती है, कई लोगों को अपने कामों से जल्दी मुक्ति मिल जाती है. मैं अगर सिंपल सी बात करूँ, काम की मतलब, हर बार हमें इंटरेस्ट होता है कि कब सेमिनार हो, कब मीटिंग हो, कब ट्रेनिंग हो, और हम जाकर वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी मिलती है. पूरी दुनिया चाहे नमक कम है, ये कम है, वो ऐसे है, वो ऐसे है, पर जब यहाँ पर आते, अरे यार आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आपने बहुत अच्छे पहना है, आपने ये अच्छा किया है, तो वो जो अच्छा अच्छा सुनने मिलता है ना, वो इंक्रीज़ कर रहा था हमें कि हम और ज़्यादा मीटिंग में जाए.
और हमारा ऐसा एक वेस्टिज फैमिली बन गया जिसके कारण हमें हमेशा ऐसे लगता है कि नहीं, वेस्टिज करना चाहिए। और मैं लेडीज़ों के लिए स्पेशल कहूँगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने सपनों को जी सकते हो, फैमिलीज़ को संभालते हुए, पेरेंट्स को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, हर जगह पर अपना काम कर सकते हो। क्योंकि मैं जब वेस्टिज में आई, मुझे जो पॉजिटिविटी मिली उसके कारण मैंने जनजागृति अभियान में भी मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला। मैं हमारे समाज के वीओ समाज में प्रेसिडेंट बनी। मुझे बहुत अच्छे, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, तो मुझे ऐसे लगता था ड्रामा अभी मैं नहीं कर पाऊँगी, पर मुझे वो भी मिला कि नहीं, आप मल्टीपल हो और कर सकते हो। और वो जो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, मुझे उससे बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे ऐसे लगता है कि मेरा एक आखिरी सपना है, मेरे पास जो भी आए मैं उसे कभी मना ना कर सकूँ, मैं मुझे हमेशा उसे डोनेट कर सकूँ, जो भी चीज़ चाहिए। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वेस्टिज वो मुझे ज़रूर देगा, क्योंकि वेस्टिज में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे आपके हर एक ख्वाब कैसे पूरे होते हैं आपको खुद को भी पता नहीं चलता है। और जिस टीम से मुझे एजुकेशन मिल रहा है, जिस वेस्टिज को मुझे ये सारी चीज़ें मिल रही है, मैं चाहती हूँ कि हर एक घर के अंदर वेस्टिज के हर एक प्रोडक्ट होने चाहिए। और वो सिंपल रीज़न है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कहीं और से खरीद रहे हो, यहाँ से खरीद लो। आप कहीं और से कोई चीज़ मांग कर लेकर आते हो, यहाँ पर 550 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। जहाँ पर आप मेकअप सीख रहे हो, हर एक चीज़ का यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल रहा है, हर एक चीज़ सपने पूरे हो रहे हैं, हर चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो। जहाँ पर आप, अगर मैं अपनी बात करूँ, एजुकेशन इतना नहीं है, एक घरेलू सिंपल हाउसवाइफ, कौन सा सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा लाइफ में कभी भी अगर चाहो तो। पर वेस्टिज करने के बाद मेरे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मैं जब वो सर्टिफिकेट खोलती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि रियली ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम द बेस्ट। और जब मैं अपने आप के बारे में सोचती हूँ तो मुझे और एक बात पता चली कि मैं अगर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अगर आगे बढ़ रही हूँ, तो उससे मेरे फैमिली को बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा। सारे लोग इंडिपेंडेंट हो गए, सबसे ज़्यादा तो मेरा बेटा, जो मुझे हर वक्त हेल्प तो करने के लिए तैयार है, पर उसने ये बात सीखी कि जिस वक्त जो काम खुद का होता है वो खुद करना चाहिए। उसने पढ़ाई अपने आप की, वो आज अपने पापा के बिजनेस में हेल्प कर रहा है, वो मुझे हेल्प कर रहा है, और वो इंडिपेंडेंस डिसीजन लेना सीख गया, क्योंकि वो डिसीजन पेरेंट्स ने लिए। तो आज दिन ब दिन जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आई एम द ग्रेट। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। अगर आपके पास ये मौका आए वेस्टिज में जोड़ने का, तो मिस मत कीजिएगा, ज़रूर जोड़िएगा। ऑल द बेस्ट।